ऑल अबाउट स्पीड, इट्स ऑल अबाउट के कौन कौन पहले पहुंचता है। इस फिल्म की एनर्जी, इस फिल्म का जो प्रमोशन, जिस तरह ये फिल्म है, हर चीज तेज है। गेट्स हेक्टिक बट इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब नाउ आई थिंक। तो ना आपके पास चॉइस है, आपको पसंद हो ना हो आपको करना तो पड़ेगा ही। All together, we are in a bus. Whole tez promotion has been shot. Process, yeah. इससे पहले हमने F1 किया, F1 में इतना ज़्यादा मज़ा आया, because एक अलग किस्म का हाई देता है। उसके बाद फिर ये बस में हम बैठे हैं, तो पता भी नहीं चल रहा कि इंटरव्यूज चल रहे हैं, मस्ती मजाक, बातें बातें, दूध लस्सी सब। एंड ऑफ कोर्स, या एंड देन वी डिड दैट। नो नो, ऑफ कोर्स, नो नो, ऑनेस्टली टू बी यू नो, द होल आई थिंक ये पूरा जो इस फिल्म की एनर्जी, इस फिल्म का जो प्रमोशन, जिस तरह ये फिल्म है, हर चीज तेज है। शुरू किया इस घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, या आउटडोर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मौका हमें कहाँ मिलता है ऐसा। तो एक ये भी ऐसा हो गया कि मैं वली सेफ़ पता नहीं कितने सालों के बाद गया, ये ना, और वहाँ वो बहुत फेमस एयरमिल कॉलोनी है, वहाँ एयरमिल जो है वहाँ, तो वहाँ हमें जाने का मौका मिला। अब यहाँ से कितने कितने स्ट्रीट्स हैं, लेन्स हैं जहाँ से हम गुजरे हैं, तो इट्स बीन ग्रेट फन। गेट्स हेक्टिक बट इट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब नाउ आई थिंक। तो ना आपके पास चॉइस है, आपको पसंद हो ना हो आपको करना तो पड़ेगा ही। और इट्स बिकम नाउ विद द प्रोड्यूसर साइंस यू एक्सपेक्ट्स यू टू प्रमोट द फिल्म ऑल्सो, सो इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। तो अब ये नहीं है कि फिल्म अलग हो गई है और प्रमोशन अलग हो गई, इट्स वन। लोग कहते हैं अभी मार्केटिंग बजट ये है, स्पेंड ये इतना है, जो पहला नहीं था। इट्स सच अ फोकस, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं दैट फॉर अ फिल्म स्पेशली ऑफ दिस साइज यू शुड बी रियली प्रमोटिंग इट। लेकिन विद तेज आई थिंक व्हाट्स रियली कूल अबाउट इट इज़ दैट वी रियली पिक्ड अप द प्रमोशंस राइट नाउ, इट्स रियली हॉट। लोग तीन चार महीने पहले दे स्टार्ट, एंड आई थिंक वी स्टार्ट अ लिटिल लेटर, बट आई थिंक दैट द इम्पैक्ट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। When you talk about this film, tez means speed in this, because ye jo kahani hai ye 12-13 ghante mein khatam hoti hai, and it's all about sab apne apne mission pe apne apne mukam tak pahunchna chahte hain, koi kisi ko rokna chahta hai, so it's all about speed, it's all about ke kaun pehle pahunchta hai। Look to character ke hisab se hoti hai, jaisa ki maine kaha ki ye bahut hi flamboyant character nahi hai, ye simple aadmi hai, emotional aadmi hai, तो उसकी लुक फिर उसी हिसाब से होगी। अच्छा जो डायरेक्टर होता है, अच्छी जो स्क्रिप्ट होती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि 10 सीन हो या पूरी फिल्म में आप घूम रहे हैं, तो जो लेंथ से रोल का इम्पैक्ट नहीं होता है। इट्स नेवर द लेंथ ऑफ द रोल विच क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, इट इज़ हाउ वेल इट इज़ रिटन, हाउ वेल इट इज़ डायरेक्टेड, एंड हाउ वेल इट इज़ परफॉर्म। उससे आपको कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने एक सीन किया और उनको ऑस्कर मिला है। 13-14-15 साल के बाद प्रियंस साहब के साथ काम कर रहा हूँ। उनका वर्किंग स्टाइल जैसे होता ना, कोई वर्किंग स्टाइल कुछ ऐसा होता है कि इट रियली डजंट चेंज, यू नो, ही इज़ द सेम। एंड ऑफकोर्स टेक्निक चेंज हो जाती है, तो आप टेक्निक के साथ आप भी चेंज होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंस ने कोशिश की है कि वक्त के साथ वो बदल रहे हैं। काफ़ी अरसे से उन्होंने, मेरे ख्याल से 30 साल से फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं, मोर देन 80 फिल्म ही हैज़ डायरेक्टेड, एंड ही ट्राइज इज बेस्ट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। एक हल्का सा स्ट्रेस एंजाइटी तो रहती है, एंशियसनेस रहती है कि क्या होगा, बट वो फ्राइडे से 2-3 दिन पहले शुरू होती है, फ्राइडे वो खत्म हो जाती है जो भी रिजल्ट हो फिल्म का। बिल्कुल सही कहा, यू नो, कि डेफिनेटली एंजाइटी तो होती है, और दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड हर चीज़ में कोई भी नो पेन नो गेन जैसे कि कहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैसला हो जाएगा, और देखते हैं क्या। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद आएगी फिल्म।